राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, आतंकी दल है बजरंग दल और गिरिराज सिंह भाषाई आतंकी। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बजरंग दल को एक आतंकी दल बताते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह एक भाषाई आतंकी हैं और भाषाई आतंकी की प्रवृत्तियां समाज में हमेशा नफरत फैलाने का काम करती है। वहीं नीतीश कुमार के द्वारा मदरसे के पुनर्निर्माण के लिए दिए गए 30 करोड़ को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। सरकार विद्यालयों के साथ साथ मदरसे का भी निर्माण कराती है। श्री यादव आज जिला के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत जमुआवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव के मातम पुरसी करने पहुंचे थे। दरअसल पिछले महीनों नालंदा जिले में रामनवमी के दौरान हुए उपद्रव में बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया के को हवाले कर दिया था। उसी के पुनर्निर्माण को लेकर नीतीश सरकार ने 30 करोड़ दिया है। इसी को लेकर भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है नालंदा में। नालंदा में तो जितना धर्म के मानने वाले लोग हैं सब आपस में मिलकर रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आतंकी दल जिसको बजरंग दल कहते हैं वो खुद आतंकी दल है, वो बजरंग दल नहीं है। हनुमान जी का गदा तो कर्नाटक में पीछे पर पड़ा भाजपा के, किसी धर्म के मानने वाले लोगों का, उसकी देखभाल उसका आगे कैसे बढ़े, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आई है तो राज्य सरकार जहां कई विद्यालयों का निर्माण कराती है तो मदरसों का भी कराती है। हम तो जरा पूछिए भाजपाइयों से कि इतना दिन तक रहे हो पटना में पटन देवी, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, इसका कौन जीर्णोद्धार किया था? एकाक तो बताना चाहिए ना। हम तो सबका करते हैं, हम सनातन धर्मावलंबियों का भी, हम इस्लाम धर्म का भी, सिख का भी, ईसाई का, सबका। गिरिराज सिंह भाषाई आतंकी, और भाषाई आतंकी जो प्रवृत्तियां होती है ना वो समाज में नफरत फैलाती है, एकता को तोड़ती है। और उसी के लिए गिरिराज से पूछे कि बिहार में मनरेगा का पैसा मिला कि नहीं। मंत्री ग्रामीण विकास के हैं, जरा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बिहार को क्या जो वाजिब हक है अभी तक प्राप्त हुए इस पर तो बोलेंगे नहीं, तो उन्मादी प्रवृत्ति से क्या उम्मीद करिएगा उन्माद की। इसी तरह खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।